टीएमसी चाहती है कि उसके तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए? सबको साथ लेकर, सबका विश्वास जीतकर, सबका विकास करना ही तो भाजपा का लक्ष्य है। यही तो विकसित भारत का संकल्प है। इतना ही तो विकसित भारतेर संकल्प। और इस संकल्प के लिए आज हर भारतीय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है। यहां जो लोग हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है। मैं जानता हूं आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, आपका प्यार मुझे मिल रहा है, और ये उत्साह उमंग शायद ऐसी सभा, इतना विराट दृश्य, ये तो बहुत बड़े आशीर्वाद है आपके। साथियों, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। और इसलिए 24/7 मैं 24/7 के लिए काम कर रहा हूं। 24/7 फॉर 2047, ये हम सबका संकल्प है। और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे।